क्या हालचाल है सर? हालचाल तो बहुत बुरे हैं, क्योंकि सर अब दिसंबर आ गया है और फेब में होते हैं सर पेपर। आपको तो सर देने नहीं है, है ना? आप तो बुड्ढे हो गए, आप तो बढ़िया पढ़ा रहे हो, हमको देने हैं पेपर, तो अगली बार हालचाल मत पूछना। अच्छा बच्चों, नहीं पूछूंगा। वेरी गुड इवनिंग और मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी बच्चों को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म का 12th लेक्चर। मुझे बड़ी हंसी आ रही है, तुम लोग के पेपर आ रहे हैं तो जो साल भर तुमने बदमाशियां की है ना, अब सब बाहर निकलेगी। हे भगवान, इन बच्चों को अच्छे नंबर दिला देना। होता है इससे कुछ? चलो कोई नहीं, कल मैं जाऊंगा, ठीक है? कल मैं जाऊंगा दुर्गा माता के मंदिर में, तुम लोग के लिए जाके पूजा करूंगा, और मैं कहो तो यहां से सोमवार सोमवार व्रत भी रह लूं। कुछ नहीं होगा, पढ़ ले। तो आज आइसोमेरिज्म का 12th लेक्चर है, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, और आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का 4th पार्ट। बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज चल रही है, और इसमें 3rd पार्ट तक हमने काफी बातें आपको समझा दी हैं कि कायरल कार्बन क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, डाइसिमेट्री क्या कंडीशन होती है, इनेंशियोमर कैसे पहचानना है, सब बता दिया है। आज और अंदर घुसेंगे, आज हम सीखेंगे वेज डैश और फिशर प्रोजेक्शन। वेज डैश शायद आपको हम कई बार बता चुके हैं, ये होता है मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करना। मॉलिक्यूल कितने डायमेंशन में होता है? 3 डायमेंशन में होता है ना, 3D। अब 3D से तुमको याद आ गया रजनीकांत की मूवी, जाओ देखो मूवी, फेब में पेपर कौन देगा। और फिर हम 3D से मॉलिक्यूल को 2D में लाएंगे। जैसे मॉलिक्यूल ऐसे होता है ना, हर तरफ हाइड्रोजन कार्बन ब्रोमीन जो भी है लगा रहता है, उसको हम 2 डायमेंशन मतलब हम पेपर में आज मॉलिक्यूल को बनाएंगे। बड़ा ही खतरनाक अप्रोच है फिशर प्रोजेक्शन, मतलब आसान है, खतरनाक मतलब बड़ी अचीवमेंट है कि 3D को 2D में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आज हम सीखेंगे RS नोमेनक्लेचर। अब RS नोमेनक्लेचर क्या है? अभी तक आप देख रहे हो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को D और L बोलते हैं, है ना, पर पता नहीं चलता देख कर कि कौन सा D है कौन सा L। RS में देख के पता चल जाएगा कि कौन सा R कौन सा S। अब हम श्योर हो जाएंगे मिरर इमेज देख के कि ये वाला R ये वाला S, एक श्योरिटी मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव है, एब्सोल्यूट ये भी नहीं है, रिलेटिव है, पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम सीखेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर। चलो इसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल कंपाउंड यूजिंग RS। इसके पहले भी ये चीजें आपने की है, इनेंशियोमर डायस्टीरियोमर्स मीजो आइडेंटिकल आप पढ़ चुके हो, आज के लेक्चर में और डेप्थ में पढ़ेंगे और उसमें RS का इस्तेमाल देखेंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है अलख पांडे और फेब में आ रहे हैं आपके पेपर। और सर अब मत हंसना, मैं बता रहा हूं सर, अभी अनसब्सक्राइब करूंगा आपका चैनल, इस वीडियो को 10 बार डिसलाइक मारूंगा सर, बस अब हंसना मत सर, मेरी कंडीशन पे इतना बुरा मेरा हाल हो गया सर, पढ़ा नहीं मैं साल भर, प्यार किया, मोहब्बत किया, लड़ाई किया, मार किया, मैटर हो गया, भाई को फोन किया, पढ़ ले अभी मौका है, 2 महीने बचे हैं, पढ़ ले अच्छे से। चलो भाई, तो अपन देखने जा रहे हैं वेज डैश। तो बच्चों, वेज डैश होता है किसी भी कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है? जैसे मान लो मैं यहां पे बनाऊं C, बहुत सिंपल कंपाउंड्स बनाऊंगा आज, ठीक है? C यहां पे बना लिया, मान लो मैंने BR यहां पे लगा लिया, H ये CL और ये I। बच्चों इसको कहते हैं वेज एंड डैश। ये कार्बन आपको पता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल है। ये जो 2 वैलेंसीज हैं ये प्लेन ऑफ वाइट बोर्ड में हैं, आयोडीन और क्लोरीन इसी प्लेन में हैं। ब्रोमीन हम बोलते हैं वेज से जुड़ा, इसको बोलते हैं वेज जो डार्क वाला है। तो ब्रोमीन इस प्लेन से बाहर निकलता हुआ आपकी तरफ आ रहा और हाइड्रोजन इस प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा, क्लियर है? ब्रोमीन इस प्लेन से बाहर आ रहा, हाइड्रोजन इस प्लेन में अंदर जा रहा, और आयोडीन और क्लोरीन इसी प्लेन में है, मतलब आयोडीन इससे, क्लोरीन ऐसे, हाइड्रोजन अंदर ब्रोमीन बाहर, इसको बोलते हैं वेज डैश। पहला मेरा सवाल, क्या ये कार्बन काइरल है? बिल्कुल काइरल है, इसकी 4 वैलेंसी डिफरेंट है। क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बिल्कुल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमने यहां पे लगाया मिरर और इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज कैसे बनाते हैं? यहां से पकड़कर ऐसे पलट दो, तो कार्बन ऊपर आयोडीन, ऐसे पूरे मॉलिक्यूल को पूरे ऐसे पलट दो, मिरर इमेज, ठीक है? तो क्लोरीन आ जाएगा यहां पे, ब्रोमीन इधर आ जाएगा जब पलटोगे आप,
और हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, बोलो सही है। जब इसको पलटेंगे तो ब्रोमीन इधर आ गया, हाइड्रोजन यहाँ, ये ठीक है। इन दोनों को हम बोलते हैं ये इनैंशियोमर्स हैं, ठीक है। एनीवेज खैर, आज हमें भी पहले वेज से चलते हैं फिशर पे। अब हम बात करते हैं फिशर प्रोजेक्शन की। बच्चों फिशर बोलता है कि इन चार वैलेंसी को हम प्लेन ऑफ पेपर में दिखाएंगे, दो वैलेंसी को हम वर्टिकल बॉन्ड, दो वैलेंसी को हम हॉरिजॉन्टल बॉन्ड में दिखा देंगे। ये फिशर ने कहा, फिशर ने कहा कि हम 2D में खेल खेलेंगे, फिशर प्रोजेक्शन 2D में खेल खेलेंगे। तो जो वैलेंसी आपने एक बोला बाहर आ रही अंदर जा रही, दो ना ना, हम बोलेंगे दो वर्टिकल दो हॉरिजॉन्टल। देखो ये दोनों एक प्लेन में है, अग्री कर रहे हो, आयोडीन और क्लोरीन इस प्लेन में है, ब्रोमीन और हाइड्रोजन एक प्लेन में है, इस वाले प्लेन में। फिर समझाता हूं, ये ब्रोमीन ये हाइड्रोजन, मैं बाहर निकल गया कैमरे से, ये ब्रोमीन ये हाइड्रोजन ये इस प्लेन में है। तो एक प्लेन इन्होंने कहा ये मान लो, एक प्लेन ये, इन्होंने दो प्लेन बनाए हैं असल में भाई। आयोडीन क्लोरीन इस प्लेन में है, ब्रोमीन बाहर हाइड्रोजन अंदर, उन लोग इस वाले प्लेन में, ये प्लेन। तो इन्होंने इसी तरह से एक प्लेन इसको माना है किसको। अब कैसे यहां से यहां आना है समझो, इसको पहले वेज और डैश की तरफ से देखो, पहुंच गए वेज और डैश की तरफ से। सबसे पहले देखो जो डैश वाला है वो किधर है, ये इधर से देखने पे मुझे डैश राइट पे दिखाई पड़ रहा है, तो मैंने राइट पे एच लगा दिया। इधर से देखो, जिधर से वेज एंड डैश, उधर से आंख डाल के देखो, जिधर डैश दिख रहा किधर दिख रहा, राइट पे, तो राइट पे देखो। इसको करने के तरीके बहुत हैं, लास्ट के लेक्चर आते आते ये सब आपके लिए हलवा हो जाएगा, पर अभी बेसिक तरीका सीखो, सबसे आसान। इधर से देखा डैश राइट में दिखा, राइट में। अब डैश अगर पीछे होगा तो ब्रोमीन उसके सामने होगा, मतलब एच इधर, ब्रोमीन इधर, इस प्लेन में। तो इस प्लेन को इन्होंने यहां रिप्रेजेंट किया है, तो एच के सामने ब्रोमीन लगा दो, एच के सामने ब्रोमीन। अब जो ऊपर है वो ऊपर लगा दो, जो इधर है उसको यहां लगा दो। भाई ऊपर नीचे दोनों एक प्लेन में, ये एक प्लेन, ये हो गया, बन गया। अब जब इसको बनाते हैं, टुरुप टुरुप टुक टुरुप टुरुप टुक टुरुप टुरुप टुक टारारा, अच्छा अच्छा जी मैं हाई, चलो मां बताओ। अब हम इसको इधर से देखेंगे घुस के, हाइड्रोजन अब मुझको लेफ्ट में दिख रहा है, देखो लेफ्ट में, तो ये हाइड्रोजन लेफ्ट में, देखो यहां से देखो लेफ्ट में, इसके सामने ब्रोमीन है, हाइड्रोजन अंदर ब्रोमीन बाहर, ये दोनों एक प्लेन में, आयोडीन ऊपर क्लोरीन नीचे, सही है। ध्यान से देखना ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी बन गए, देखो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन गए, मतलब ये 100% सही था। बोलो आया वेज डैश से फिशर प्रोजेक्शन कन्वर्ट करना, बहुत आसान बहुत आसान, पता नहीं लोग क्या क्या मेथड बता रहे हैं, बहुत आसान। जिधर से वेज डैश है उधर से झांक कर देखो, जिधर डैश दिखे राइट में लगाया, वेज उसके सामने, बची हुई वैलेंसी ऊपर नीचे। ये इधर से है तो इधर झांक के देखना पड़ेगा, अंदर से इस तरफ से देखा, हाइड्रोजन लेफ्ट में तो लेफ्ट में, इसके सामने ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन, क्लियर 100% क्लियर, बहुत बढ़िया। इसमें से ये डी होगा तो ये एल, ये एल होगा तो ये डी, ये डी तो ये एल, और ये एल तो ये डी। देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा डी है कौन सा एल है, सिर्फ एक्सपेरिमेंट से बता सकते हैं। तो इस दुविधा को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आई आर एस नोमेनक्लेचर, जिसमें आप देखकर बता सकते हो, देखकर बता सकते हो कि कौन सा आर है और कौन सा एस है। इसमें फायदा यही है। तो आर एस नोमेनक्लेचर में इन्होंने हमसे कुछ नियम बताए और वो नियम बेस्ड है एक प्रायोरिटी ऑर्डर पे। पहले ये समझ में आ गया, वेज डैश से फिशर, ये दोनों एक प्लेन में तो एक प्लेन ये है इनका, ये दोनों एक प्लेन में तो ये प्लेन ये है इनका। सबसे पहले जिधर वेज डैश है उस तरफ आंख लगाओ, उस तरफ आंख लगाओ, उधर से देखो डैश किधर है, राइट में लगा दिया। यहां से देखा जिस तरफ से वेज डैश, डैश किधर है, लेफ्ट में दिख रहा तो लेफ्ट में लगा दिया, बस यही दिमाग लगाना है। इधर घुस के देखा डैश राइट में तो राइट में लगा दिया, उसके सामने वेज, ऊपर जो है ऊपर, जो नीचे है नीचे, क्लियर। अब हम बात करेंगे आर एस नोमेनक्लेचर की। तो इसके लिए हमारे पास एक प्रायोरिटी ऑर्डर है,
आरएस नोमेनक्लेचर समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक प्रायोरिटी ऑर्डर, और इस प्रायोरिटी ऑर्डर का नाम है सीआईपी स्कीम, जो मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा रखी है, जहां पे ईजेड आपने पढ़ा था। अब जेई हमसे बोलता है कि ईजेड नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर आर नॉट इन सिलेबस, बट सवाल आप देखोगे तो अंदर इन आरएस और ईजेड के बिना सॉल्व नहीं होंगे, कहीं डायरेक्टली नहीं पूछेगा पर इसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेंगे, समझाएंगे भी जब एकदम लास्ट पार्ट पहुंचेंगे तब आपको ये चीज क्लियर होने लगेगी। खैर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर या सीआईपी स्कीम हमको समझना पड़ेगा आरएस नोमेनक्लेचर के लिए। तो भैया पहले आरएस समझना है, उसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर। चलिए आइए मिटा दो इसको, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए तो पहले मैं आपको फिशर पे कहानी सारी समझाऊंगा, लेक्चर के लास्ट में आते आते वेज डैश पे भी आरएस समझाने लगेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेक्चर हम आपको वेज डैश पे भी आरएस सिखा देंगे। अभी पहले फिशर पे सीख लो, सब सिखाएंगे, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे, लेक्चर खत्म ही होगा देख लोगे। चलो देखते हैं, पहले मान लो वही कंपाउंड बना लूं, तो नीचे क्या लगा था, शायद सीएल, ऊपर शायद आई लगा था, इधर शायद एच लगा था, इधर शायद बी आर लगा था, यही था ना, ऐसे ही कुछ कंपाउंड बना। चलो मैं कुछ चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं अपने आप कंपाउंड बना रहा हूं, एच बी आर सी एल आई, ठीक है, कुछ बातें हैं जिसकी वजह से मैंने ये कंपाउंड बनाया, ठीक है, अभी आप छोड़ो, आप सोचो ये कंपाउंड है, ठीक है ना, ये कंपाउंड है अपने पास, ठीक है। अच्छा, प्रायोरिटी ऑर्डर हमसे क्या बोलता है, प्रायोरिटी ऑर्डर हमसे बोलता है कि आप डिफरेंट ग्रुप्स को या डिफरेंट एटम्स को जो अटैच्ड हैं कार्बन से, उनको आप प्रायोरिटी दो ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। वैसे एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं पर अगर आइसोटोप्स मिल जाए तो एटॉमिक वेट देख लो, है ना, वैसे तो एटॉमिक नंबर जो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, फील आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, फील ठंड में फील। अच्छा, इसको हम बोलते हैं सी आई पी स्कीम, कान इन गोल्ड प्री लॉग रूल, कान इन गोल्ड, कान के सी ए एच एन, इन गोल्ड प्री लॉग रूल, कान इन गोल्ड एक आदमी, प्री लॉग एक आदमी, दोनों ने मिलकर रूल बनाया। अच्छा, तो नंबरिंग स्टार्ट करनी है डिफरेंट ग्रुप्स की ऑन बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, हाइड्रोजन, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, हाईएस्ट एटॉमिक नंबर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, एंड सो ऑन। तो इनमें सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर आयोडीन का है तो फर्स्ट, सेकेंड नंबर पे ब्रोमीन, थर्ड नंबर पे क्लोरीन, फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन, फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन। फिर ऐसा करने के बाद आप वन से चलो टू, टू से चलो थ्री, वन से चलो टू, टू से चलो थ्री, और ऐसा करने में फोर्थ को क्रॉस करना पड़े तो कर दो, या नहीं करना पड़ रहा, कभी करना पड़ सकता है फोर्थ, अभी समझाएंगे। वन से चलो टू, टू से चलो थ्री, अगर वन से टू, टू से थ्री क्लॉकवाइज चल रहे हो तो हम बोलेंगे कि वो आर है, वो आर है, इसका मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा। नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ऐसा कोई मतलब नहीं बच्चों, आरएस से भी ये बात श्योर नहीं है कि लाइट को कैसे, एक रिलेटिव तरीका, आर से ये श्योर हुआ कि इसमें जो ग्रुप्स हैं, आर से ये श्योर हुआ कि इसमें जो ग्रुप्स हैं वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो क्लॉकवाइज मिलेंगे, बस। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइट को ये क्लॉकवाइज घुमाएगा, नहीं नहीं नहीं, आर का मतलब होता है रेक्टस, ठीक है, आर का मतलब है रेक्टस विच मींस राइट या क्लॉकवाइज, आर का मतलब है यही क्लॉकवाइज, ऐसा मतलब लाइट को क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसमें जो ग्रुप्स लगे हैं वो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में देखें तो क्लॉकवाइज दिखेंगे। अच्छा, जरा इसकी मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज बनाओगे, ये आ गया। चलो अब इसमें देखें, वन
1, 2, 3. सो 1 से 2, 2 से 3 कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज. 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज. 1 से 2, 2 से 3 एंटी के लिए ए लिखेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज. तो अगर 1 से 2, 2 से 3 फोर्थ पे जाना ही नहीं है, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो बोलोगे एस. अब इसका मतलब ये नहीं कि लाइट को एंटी, इसका मतलब भी यही है कि ग्रुप्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में देखें तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे. किसी कंपाउंड पे एस लिखा है मतलब इसमें जो ग्रुप्स का ऑर्डर है वो एंटी क्लॉकवाइज है इन डिक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. इसका मतलब ये नहीं कि लाइट को ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं, इसका मतलब है कि अगर इसमें हम ग्रुप्स को देखें तो एटॉमिक नंबर के बेसिस में डिक्रीजिंग ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा एस. एस का मतलब होता है सिनिस्टर, मतलब लेफ्ट. सिनिस्टर मतलब लेफ्ट, देखो लेफ्ट में जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज. आर का मतलब रेक्टस, मतलब राइट. राइट मतलब क्लॉकवाइज, राइट मतलब क्लॉकवाइज. सिनिस्टर लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर हो गया आर एस नॉमिनक्लेचर? एकदम हलवा, एकदम सिंपल. कंडीशन, कंडीशन क्या है? कंडीशन, कंडीशन है लोएस्ट प्रायोरिटी, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल पोजिशन या वर्टिकल बॉन्ड या वर्टिकल वैलेंसी. जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो वर्टिकल बॉन्ड में होना चाहिए, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी. जैसे यहां लोएस्ट प्रायोरिटी कौन है? हाइड्रोजन, वर्टिकल में. तभी ही ये नियम सही होल्ड करेगा. अब आप में से एक बच्चे ने पूछा ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाई ये मेरा रूल नहीं है, ये रूल इनका है. भाई किसी ने एक तरीका कोई बना के गया है, क्योंकि दिक्कत क्या है, तुम कह रहे हो ये डी है, हम कह रहे हैं ये एल है. दोनों लैब में गए तब क्लियर हो रहा है. हम लोग चाहते हैं हम लोग किसी कॉमन चीज पे अग्री करें, तो हमने किसी एक तीसरे बंदे की बात बोली, तुम बताओ. उसने बोला ऐसा करते हैं, एक हम अपना नियम बताते हैं, उसके वजह से तुम भी नेमिंग करो, उसके वजह से तुम भी करो. दोनों सही, दोनों खुश. क्या भैया बात समझ में आएगी? नहीं, किसी एक तीसरे आदमी की बात माननी है. अब इससे लड़ाई नहीं करनी, किससे भी लड़ाई, ये क्यों है? अब वो बोल रहे, उन्होंने एक कन्वेंशन बनाया, उसको फॉलो पूरी दुनिया कर रही है, सब एक ही चीज को मान रहे हैं तो अग्री कर रहे हैं, है ना. इसके बाद हम जाके दूसरे देश वाले इंसान से मिलके बोल सकते हैं कि हमको आर नॉमिनक्लेचर वाला ये हमको सब्सटेंस चाहिए, इससे हम अपने देश में जाके ये खाद बनाएंगे, ये काम करेंगे. इंटरनेशनल पीस की बात है, लड़ाई मत करो उसमें कि ऐसा क्यों है. ठीक है, क्लियर है? तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल बॉन्ड, इन्होंने ये नियम बना के हमें दे दिया. अच्छा, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है तो क्या करेंगे? ये भी एक सवाल उठता है. सवाल तो बहुत उठते हैं. अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे नहीं है तो जो आ रहा है उसका उल्टा कर दो. सिंपल. अगर लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे ना होकर हाइड्रोजन, सॉरी, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स में दिख जाए लोएस्ट प्रायोरिटी, तो जो आ रहा है उसका उल्टा कर दो. R और S एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, ये श्योर है. पर R का मतलब ये डी आइसोमर है, ये श्योर नहीं है. R का मतलब लाइट को ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ये श्योर नहीं है. R D भी हो सकता है, R L भी हो सकता है. R का मतलब है ग्रुप डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में क्लॉकवाइज है. क्लियर? बहुत अच्छी बात है. तो कैसे अरेंज करना है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. चलो मैं क्वेश्चंस कराता जाता हूं, आपको धीमे धीमे समझ में आएगा. अभी मैं वर्टिकल वैलेंसी पे ही रखूंगा, ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी को वर्टिकल पे. ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं अपन. पहले सवाल करते जाते हैं. तो लोएस्ट प्रायोरिटी को मैं वर्टिकल पे डाल देता हूं. पहले से यहां पे H डाल दिया, यहां मैंने OH डाल दिया, यहां मैंने OCH3 डाल दिया, यहां मैंने NH2 डाल दिया. चलो, हमसे बोला ये R है कि S, बताएं. तो सबसे पहले जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा उसको फर्स्ट नंबर दो. तो इनमें तुम देखो तो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है, है ना. कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 6, 7, 8वां नंबर है. जो लोग कंफ्यूज्ड है तो इसको फर्स्ट नंबर दें कि इसको. जब ऐसा डाउट फंस जाए, अब धीमे धीमे मैं बढ़ाता जाऊंगा ना. जब अभी बहुत कुछ है, कई लोग सोच रहे हैं स्किप मार दें. अभी सीआईपी स्कीम पढ़ना है, इसमें बहुत अंदर तक पढ़ाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे सीआईपी स्कीम, बहुत बढ़िया. तो जब ऐसा कुछ फंस जाए तो आप नेक्स्ट एटम चेक करो. यहां ऑक्सीजन से नेक्स्ट एटम हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन से नेक्स्ट एटम कार्बन है, जिससे 3 हाइड्रोजन लगे. तो ये एटम तो भाई क्या हुआ, ये तो मतलब ड्रॉ हो गया, टाई हो गया. नेक्स्ट एटम यहां हाइड्रोजन है, यहां कार्बन. किसका एटॉमिक नंबर बड़ा? कार्बन. तो इसको मिलेगा फर्स्ट,
इसको मिलेगा सेकंड। पहले पहला एटम चेक करो, पहले एटम में तो ये दोनों बाकियों से जीती गए थे ऑक्सीजन होकर। अब इन दोनों में 1, 2 नाइट्रोजन को थर्ड नंबर, इसको फोर्थ। अब देखो 1, 2, 3 ऐसे ऐसे आ रहा है, तो ऐसे नहीं चलना है, फोर्थ को क्रॉस करके चल सकते हैं, फोर्थ को क्रॉस करके चल सकते हैं ऐसे 1, 2, 3 ऐसे। कैसे आया? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? एस। क्लियर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही आसानी से आपने इस सवाल को उड़ा के रख दिया है, बहुत खुशी हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए इसी सवाल को मैं देता हूं NH2, चेंज कर देता हूं थोड़ा सी वैल्यूज और यहां पे CH3 अच्छा NHCH3 चलो ये आ गया मेरे पास। अब इसमें आप देखो तो फर्स्ट नंबर किसको दूं मैं पहले? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन को मिल जाएगा। सेकेंड नंबर किसको मिलेगा? सेकेंड नंबर नाइट्रोजन को मिलना चाहिए, यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा है, नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा है, कार्बन के एटॉमिक नंबर ज्यादा, तो ये 2, ये 3, ये 4, तो 1 से 2, 2 से 3। अब सुनो यहां एक प्रॉब्लम है, जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो हॉरिजॉन्टल में है, जब भी लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आ जाए तो जो आ रहा है उसको पलट दो। जैसे यहां पे देखो 1, 2, 3 हम कैसे चले? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आना चाहिए? एस। पर क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी, जरूरी नहीं हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो सकता है, हमारी वर्टिकल बॉन्ड पे है, सॉरी वर्टिकल पे होती तो सही होता ना हिसाब किताब, हॉरिजॉन्टल बॉन्ड पे है, तो जो आया है उसको पालाटा पलट दो, मतलब एस आया है तो बोलो आर। अभी समझाएंगे ये भी सब, एस आया है तो बोलो आर। क्लियर? अभी ये थोड़ी देर के लिए तारा बना लो, थोड़ी देर बाद समझाएंगे। यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी वाली कहानी कैसे सॉल्व हुई, अभी तो नियम की तरह मान लो, थोड़ी बात समझाएंगे कैसे किया, ये समझाया उन्होंने, सीआईपी ने चीज समझाई है, ठीक है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो जो आ रहा है उसको पलट दो, एंटी क्लॉकवाइज से ऐसा आया, पलट के इसको क्या बोलोगे? आर। सीधा आंसर क्या होगा तुम्हारा? आर। क्लियर है? अच्छा, तो कुछ कुछ चीजें आपको धीमे धीमे कंसेप्चुअली समझ में आती जा रही। चलिए धीमे धीमे सवाल बढ़ाते जाते हैं, है ना, यहां तारा बना के लोएस्ट प्रायोरिटी समझाना है। दूर का कर्ज चुकाना है, गाय माता को बचाना है, ये मैंने एक नुक्कड़ नाटक किया था थर्ड ईयर ऑफ माय कॉलेज में। दूध का कर्ज चुकाना है, गाय माता को बचाना है, है ना, बट वो एक जनरल गाय माता को बचाने का एफर्ट था, कोई इससे दिल को चोट ना लग जाए, ठीक है, सारे ही जानवर को बचाना चाहिए, सभी जानवर, जैसे कि आप सब, नहीं आप सब तो सॉरी इंसान है, मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पिछली बातों को भूल जाएगी, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बढ़िया, अगला सवाल मान लो यहाँ हाइड्रोजन लगा दें, यहाँ अपन ड्यूटेरियम लगा दें, यहाँ मान लो अपन ट्रिटियम लगा दें, और यहाँ मान लो CH3 लगा दें। अब क्या हुआ? अब एटॉमिक नंबर सेम हो गया, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, ट्रिटियम है ना, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम, तीनों का एटॉमिक नंबर 1। अगर एटॉमिक नंबर क्लैश कर जाए तो मास नंबर चेक करो, एटॉमिक वेट, उसके बेसिस पे जज करो। ट्रिटियम का 3 होता है, 3 होता है एटॉमिक मास, ड्यूटेरियम का 2 होता है, है ना, तो खैर इनमें पहले फर्स्ट नंबर तो कार्बन को जाएगा ना, सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर तो कार्बन का है 6। अब इनमें कंफ्यूजन हुआ, तो सेकंड नंबर मिलेगा ट्रिटियम को, 3 मिलेगा ड्यूटेरियम को, इसका एटॉमिक मास 2, एटॉमिक मास 3, एटॉमिक मास 1, है ना, आपको पता ना ट्रिटियम इज हैवियर देन ड्यूटेरियम इज हैवियर देन हाइड्रोजन, तीनों का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 1। और मास नंबर की बात करें तो, मास नंबर की बात करें तो इसका 3, इसका 2, इसका 1, तो अगर एटॉमिक नंबर क्लैश कर जाए, यानी अगर आइसोटोप्स की बात हो, मतलब एक जगह लिखा हो O18, एक जगह लिखा हो O16, एक जगह लिखा हो O17, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप ले, सॉरी एक जगह लिखा हो O17, एक जगह लिखा हो O16, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोगे, है ना, जो ज्यादा हैवी है उसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, समझ गए। खैर यहां पर आते हैं 1, 2, 3 और इसको मिलेगा 4। 1, 2, 3 कैसे घूमे? एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आएगा? एस। अब
लोएस्ट प्रायोरिटी कहां है, वर्टिकल पे है, तो जो आया है वो सही है। क्लियर हो गई आइसोटोप वाली बात, पूरी तरह से क्लियर हो गई, मिटा दूं। ओके चलिए, धीमे धीमे नई नई चीजें लेता जा रहा हूं। अब जरा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को डील करने का तरीका देखिए, ये मैं पहले सिखाया है मुझे पता है, पर इस बार और भी कई चीजें नहीं दे दूंगा इसके अंदर। जैसे मान लो यहां हमको बोलता है OH है, यहां हमसे बोल देता है NH2 है, यहां हमसे बोलता है C1 2 3 CH है, यहां हमसे बोलता है C डबल बॉन्ड, यहां क्या लगेगा H, यहां CH2 है। चलो बोला इसकी नंबरिंग वंबरिंग करो, इसमें कहानी बताओ। तो सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन को जाएगी, पहले देखो कार्बन से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, वो तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और कार्बन जुड़े हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, मजा आ रहा है, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा अब सेकंड प्रायोरिटी नाइट्रोजन को मिल जाएगी, कंफ्यूजन इन दोनों में, यहां भी कार्बन जुड़ा है, यहां भी कार्बन, कार्बन से फिर कार्बन, कार्बन से फिर कार्बन। अब देखो कैसे डील करना है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी का जनरल मतलब देखो ना, एक हम हाइपोथेटिकल मीनिंग देखते हैं इसकी, है नहीं, एक हम इमेजिन करते हैं कि सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर लिखा है एच ऐसा, तो इसको हम खोल देंगे सी सी सी, मतलब क्या करो कि यहां से दोनों वैलेंसी खोल दो, तीन वैलेंसी है, एक को तो सिंगल बॉन्ड को तो रहने दो, बाकी दो वैलेंसी को खोल दो, सामने कार्बन लगा है, तीनों पोजिशन पे कार्बन लगा दो, तीनों पोजिशन पे कार्बन, अभी इतना ही समझो, इतने से काम चल जाएगा। जैसे ये है CH डबल बॉन्ड CH2 और CH जाके जुड़ा है मेन चेन से, तो इसका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर देखो, है तो नहीं ऐसा, तो CH जैसा था वैसा ही लिख दो भाई, डबल बॉन्ड एक ओरिजिनल है, एक नया आपने क्रिएट किया, खोल दिया, एक कार्बन था, अब दोनों में कार्बन लगा दो, आप दोनों में कार्बन लगा, अब आप कंपेयर करो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। अब देखो ये कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, दो कार्बन जुड़े हैं, ये कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, इससे तीनों कार्बन, यहां कार्बन से कार्बन कार्बन और एक हाइड्रोजन, ये रचूक गया, इसमें तीनों कार्बन, ये कार्बन कार्बन बराबर हुआ, तीसरा इससे कार्बन जुड़ा, इससे हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हो गया 3 4। So, 1 2 3, तो ऐसे मत घूमना, चौथे को क्रॉस करके घूम सकते हैं, 1 2 3, यार एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहा है, मैं जानबूझ के मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज आया तो क्या बन गया S, पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो वर्टिकल बॉन्ड पे आ रही, पहले तो एटॉमिक नंबर चेक करना, ये नहीं कि डबल बॉन्ड देख के ट्रिपल बॉन्ड देख के लालच आ गया इसको फर्स्ट नंबर, पहले सीधा सीधा जो एटम जुड़ा है उसको देख के डिसाइड करो, उसमें ऑक्सीजन जीतेगा फिर नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर जिसका चाहता। अब लास्ट में कहानी दिक्कत क्या, दिक्कत ये है कि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे आ गया, तो जो आया है उसका उल्टा कर दो, आंसर होगा आर, इसको काट देंगे। सो गोल्डन रूल भी कहते हैं, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो जो आया है उसको पलट दो, समझाएंगे, तारा लगा हुआ है, ये तारा वो तारा हर तारा, अभी देखो इसी में फंसाने आ रहा हूं, सवाल अगला, बहुत खूबसूरत सवाल देने वाला हूं, चलो देखो नेक्स्ट सवाल, गारंटीड फंसा दूंगा मैं आपको, हाइड्रोजन प्रिंगारे प्रिंगारे पुं प्रिंगारे प्रिंगारे पुं, CH CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 OH, ये कंपाउंड है, चलो बताओ R की S, बताएं इसको R है कि S है, प्यार है या प्यार नहीं है, तुम नहीं समझोगे राहुल, कुछ कुछ होता है, अरे सर कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ हो रहा है इतने दिन से सर, 11th में हमने साइंस जो लिया उसके बाद सर बहुत कुछ हुआ। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन को गई बिना कुछ सोचे, भाई सर एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा, यहां कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है, क्यों, कार्बन से जुड़ा है कार्बन, कार्बन से जुड़ा है कार्बन, और CH डबल बॉन्ड CH2 को खोलने का तरीका ये, हाय 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 हाय, इस कार्बन से क्या जुड़ा है, एक हाइड्रोजन दो कार्बन, और यहां पे भी इस कार्बन से इमेजिनरी स्ट्रक्चर में दो कार्बन और एक हाइड्रोजन है ना, मतलब कहानी तो वैसे ही लग रही है, देखो ये और ये, इसको इमेजिनरी में ले गए तो ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही। अब सुनो क्या करना है, इमेजिनरी की कहानी आगे बढ़ेगी, यही समझाता हूं, इमेजिनरी में हाइपोथेटिकल में कहानी और आगे है,
अगर ये इसको ऐसे खोलोगे, एक्चुअल में कार्बन से कितना कार्बन जुड़ा है, एक, तो एक जोड़ा। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए इस कार्बन पे ऑलरेडी क्या लगा था, एक एच लगा था, लगा दो इस कार्बन पे एक एच। पहले तो जो चीज लिखी थी वो तीनों में लिख दो, जो चीज लिखी थी वो तीनों में लिख दो, क्योंकि कहानी अब आगे जानी पड़ेगी, क्योंकि यहां से कंफ्यूजन हो गया। सी पे एक एच जुड़ा है दो सी, सी पे एक एच जुड़ा है दो सी। तो अब मैं क्या आया नहीं इस तरह का सवाल, पर सीख रहे हैं अपन और अच्छे से। तो जो लिखा है पहले वो लिख दो। अब इस कार्बन से एक्चुअल में सिर्फ एक कार्बन जुड़ा है, जो एक्चुअल में जुड़ा है उसकी बची हुई वैलेंसी कार्बन से फुलफिल करो, मतलब इसकी दो वैलेंसी भी बची है तो इसमें एक CH3 लगा दो, एक CH3 लगा दो। जो एक्चुअल में कार्बन है उसकी वैलेंसी फिर कार्बन से सेटिस्फाई करो, और जो इमेजिनरी कार्बन आपने बनाए हैं उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो, CH3 CH3। इस पे दो हाइड्रोजन डाल दिए, इस पे दो हाइड्रोजन डाल दिए। यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2, तो पहले हमने CH लिखा, डबल बॉन्ड को खोला, दो कार्बन लगाए, जो लिखा था पहले वो लिख दो CH2 CH2। ये चीज कॉपी कर दो। एक्चुअल में एक ही कार्बन है तो इस कार्बन की बची हुई वैलेंसी कितनी बची है, एक, को सेटिस्फाई करो कार्बन से CH3, और इस कार्बन की बची हुई वैलेंसी सेटिस्फाई करो हाइड्रोजन से, यानी एक हाइड्रोजन जोड़ दो। अब हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हो। C से एक H जुड़ा है दो C, C से एक H जुड़ा है दो C। अब उन दो C में से एक C से C भी जुड़ा है, यहां दोनों C से सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं, सो दिस विल गेट प्रायोरिटी 1 2 3 4। मजा आया, समझ में आया। यहां कार्बन से हाइड्रोजन और दोनों तरफ कार्बन कार्बन, यहां भी कार्बन से हाइड्रोजन और खोला तो दोनों कार्बन कार्बन। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? पहले तो इसको सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू को खोलो, जब खोलोगे तो पहले तो दोनों वैलेंसी को खोल लो, जो लिखा है वो दो बार लिख दो। अब इसमें से ओरिजिनल सिर्फ एक ही था, ओरिजिनल की बची हुई वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए फिर कार्बन लगाओ, तो इसकी बची कितनी वैलेंसी है, एक, तो एक कार्बन लगाएंगे और सी एच थ्री लगाना पड़ेगा पूरी वैलेंसी खत्म करने के लिए। इसकी एक वैलेंसी बची उसके लिए हाइड्रोजन, सिर्फ ओरिजिनल के लिए कार्बन लगाना है, बाकियों के लिए हाइड्रोजन। अब देखो इस कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक कार्बन एक कार्बन, इस कार्बन से हाइड्रोजन, इधर कार्बन इधर कार्बन, जो जुड़े हुए कार्बन उनसे हाइड्रोजन लगाए, इसमें जो जुड़े हुए कार्बन है उसमें फिर एक कार्बन आया है, मतलब ये जीत जाएगा ना इस स्ट्रक्चर से। ये स्ट्रक्चर है सी एच सी एच 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 सी एच एच एच, ये स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर ये है। अब बताओ C से C जुड़ा है H H H, C से C जुड़ा है फिर से C, सो 1 2 3, समझ गए होंगे आप डिटेलिंग, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब 1 2 3, अरे 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 फिर एंटी क्लॉकवाइज आया, एंटी क्लॉकवाइज बोले तो S, और लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे ही है तो कुछ चेंज नहीं करना, ये S। बोलिए समझ में आया क्या, क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया, पक्का क्लियर हुआ है, 100% क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया। बच्चों मिटा दूं, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत मजा। अभी लोएस्ट प्रायोरिटी वाली कहानी आपने क्लियर नहीं की सर, ठीक करूंगा करूंगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठंड में सुबह उठकर नहाना पड़ेगा, 11th में जाकर पेपर देना पड़े। चलो भाई अगला देखो, बढ़िया एग्जांपल लेते हैं और इतना सुंदर सा खूबसूरत सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा। चलो साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, चलो एक हाइड्रोजन लगा दिया वर्टिकल बॉन्ड पे, साइक्लिक कंपाउंड स्टार्ट किए, कैसे जज करना है कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं। यहां सबसे पहला कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। अब देखो इस कार्बन से जुड़ा है कार्बन, इस कार्बन से भी कार्बन, इस कार्बन से भी कार्बन, इसके इस तरफ भी कार्बन, इसके भी इस तरफ कार्बन, इसके तो यहां तक बराबरी है। अब इसको आप कैसे खोलोगे, देखो यहां देखो साइक्लिक को भी खोलना पड़ेगा, कैसे खोलोगे साइक्लिक को ध्यान से देखो, अरे रे रे राम रे राम, इसको कैसे खोलोगे आप, ये यहां पे क्या है कार्बन सी और एक एच भी होगा ना, एक दो तीन, ठीक है तो सी एच, इधर क्या है कार्बन, इधर क्या है कार्बन। अब इस कार्बन से आगे क्या जुड़ा है कार्बन, इस कार्बन से आगे क्या जुड़ा है कार्बन, जोड़ते मत जाना, एक बार इस तरफ से चलो कार्बन कार्बन यहां तक आ गए खत्म, एक बार इस तरफ चलो कार्बन कार्बन खत्म। जरा इसको खोलते हैं,
यहां क्या होगा सी एक दो तीन यानी एच, इसको खोलेंगे। ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो इसको खोलेंगे तो सी एच कार्बन 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 तीन कार्बन 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 इधर से भी इधर भी चलो सी एच कार्बन एक दो तीन दो तीन यहां से चलो यहां तक आओ यहां से चलो यहां तक आओ इधर से यहां पे देखोगे तो इधर चलोगे इधर इधर। अब बताओ कौन जीत जाएगा, सीधा आंसर होना चाहिए तुम्हारा कि ये जीतेगा भाई। इधर चलोगे इधर कार्बन 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 इधर भी कार्बन कार्बन तो ये जीत जाएगा। क्लियर है ना, यहां दो ही कार्बन यहां फिर कार्बन जा रहा है, इससे आगे ये है उससे आगे ये है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, थर्ड इसको, वन टू थ्री। मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हो रहा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब एस, क्लॉकवाइज आएगा तो आर लेंगे। आसान है आसान है। जब इसको खोलोगे साइक्लोहेक्सेन को सी एच ये सी एच और तो जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा बोलो, सी एच एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच और इधर से नीचे से भी एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच तो ये जीत जाएगा। क्लियर है। अच्छा जरा देखो हेट्रोसाइक्लिक मतलब साइकिल के अंदर कुछ कंपाउंड्स भी अगर मैं डालना स्टार्ट कर दूं। चलिए थोड़ा इसको कंफ्यूजिंग बनाते हैं, थोड़ा उसमें चीजें और जोड़ते हैं। सी एच ओ ऊपर लगा देते हैं एल्डिहाइड ग्रुप, नीचे लगा देते हैं सी एच टू ओ एच अल्कोहल ग्रुप, यहां लगाते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड और यहां भी लगा देंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब पूछा कि प्रायोरिटी बताओ, आरएस नोमेनक्लेचर बताओ। ठीक है तो पहले सीएचओ ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड बोले तो सबको पहले आप सोचा जाए, और यहां क्या है CH2OH, इन दोनों पहले कंपेयर करो। यहां सीधा क्या लगा है कार्बन, यहां सीधा क्या लगा है कार्बन, यहां सीधा लगा है कार्बन, यहां सीधा लगा है कार्बन। कार्बन से सीधा क्या जुड़ा है ऑक्सीजन, कार्बन से क्या जुड़ा है ऑक्सीजन, कार्बन से क्या जुड़ा है ऑक्सीजन। सब लड़ रहे हैं, बेहतरीन लड़ाई, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से ऑक्सीजन, कार्बन से कार्बन से ऑक्सीजन। तो अब सबको एक्सपैंड करना पड़ेगा। सीएचओ ग्रुप बच्चों देखने में कुछ ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओएच, ये ग्रुप है सीएचओ, एल्डिहाइड ग्रुप। इसको जब खोलेंगे आप हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर में जाएंगे तो सीएच तो एज इट इज रहेगा और ये दो खुल जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीजन। क्लियर है, डबल बॉन्ड जब खोलेंगे तो दो ऑक्सीजन दिखाई पड़ेगा। हाँ या ना, 100% कंफर्म है, कोई डाउट नहीं। अच्छा CH2OH तो खोलने की जरूरत ही नहीं है, तो क्लियर हो रहा है। CH2OH को कहो तो मैं बना दूं, इसमें क्या बनाओगे, मतलब हाइपोथेटिकल रियल स्ट्रक्चर है। कार्बन से क्या जुड़ा है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है ना, चलो बना लेते हैं CH2 है ना, तो सी से CH, इधर एक H, इधर एक H, इधर एक OH, ठीक है, ये सिंपल, ठीक है, क्लियर। अच्छा इसको देखो, यहां पे बढ़िया स्ट्रक्चर बनेगा साइक्लिक वाले में, ये इसको जब खोलेंगे ये सीएच है तो हाइपोथेटिकल में सीएच बनेगा, इधर चल के क्या मिला ऑक्सीजन, फिर इसके आगे कार्बन, इधर से चल लिया, अब इधर से चलना पड़ेगा, इधर से चलने पे क्या मिला कार्बन, उसके आगे ऑक्सीजन। ठीक है इसको खोलते हैं, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, सीएच ऐसा ही कुछ, इसको खोलेंगे तो CH इधर से चलने पे ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन कार्बन, सही है, इधर चलने पे कार्बन कार्बन फिर ऑक्सीजन। चलिए अब सबको कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, सब में पहले तो कार्बन ही जुड़ा है, है ना, ये CHO का इक्विवेलेंट है, ये CH2OH का इक्विवेलेंट है और ये रिंग के, सब में पहले तो कार्बन कार्बन है। सेकेंड नंबर पे इसमें दो ऑक्सीजन है, बाकी सब में एक ही ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन कार्बन, इधर ऑक्सीजन कार्बन, इधर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो सबसे हाई प्रायोरिटी इसको गई। अब सेकेंड प्रायोरिटी में एक ऑक्सीजन तो सबके पास है, तो छोड़ो, इनसे हाइड्रोजन जुड़े हैं, इनसे कार्बन, यानी इन दोनों में देखना पड़ेगा। इसमें ऑक्सीजन है फिर कार्बन, ऑक्सीजन है फिर कार्बन, आगे मत भागो, पहले दो दो एटम चेक करो, इसमें कार्बन है फिर ऑक्सीजन, इसमें कार्बन है फिर कार्बन है, तो ये जीतेगा, भागो मत। ये नहीं कि यहां तीन पे चले गए, पहले सेकंड एटम फिर थर्ड एटम, पहले फर्स्ट एटम फिर सेकंड एटम फिर थर्ड एटम फिर फोर्थ एटम, ऐसे कंपैरिजन होगा। फर्स्ट एटम में सब फंस गए, सेकंड एटम में ये जीता, दोनों तरफ ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन कार्बन, यहां ऑक्सीजन कार्बन, थर्ड एटम में ये जीत रहा है,
फर्स्ट सेकंड थर्ड पे फिर ऑक्सीजन है, यहां ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन के बाद कार्बन, कार्बन, तो इसको मिलेगा नंबर, ये नहीं कौन सा है ये, ये वाला, इसको मिलेगा नंबर टू, इसको मिलेगा नंबर थ्री और इसको मिलेगा नंबर फोर। बोलो समझ में आ रहा है? इस सबसे ऑक्सीजन तो लगा है तो ऑक्सीजन को एक तो काट दो, सबसे काट दो, दूसरे में यहां ऑक्सीजन तो ये फर्स्ट, फिर यहां कार्बन, यहां भी कार्बन, इससे नेक्स्ट ऑक्सीजन तो ये सेकेंड, छोटी रिंग है ना, जल्दी अगला, इधर से भी जल्दी ऑक्सीजन मिलेगा, इधर अगला ऑक्सीजन आने में टाइम लगेगा, देखो 1 2 3 ऐसे चलेंगे, कैसे चल रहे हैं, चलो क्लॉकवाइज चले, कैसा आया आर, लोएस्ट प्रायोरिटी कहां है, वर्टिकल पे है, तो जो आया वो सही है, मतलब इसको आर बोलेंगे। साइक्लिक को डील करने का तरीका समझ में आया? बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो मैंने आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डील करना सिखाया, साइक्लिक डील करना सिखाया, है ना, आइसोटोप्स डील करना सिखाया। अब बात करते हैं कि क्यों लोएस्ट प्रायोरिटी में अपन पलट देते हैं। इसको समझने के लिए एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेते हैं, एच बी आर सी एल आई, जरा इसका मुझे बताओ आर है कि एस है, तो फर्स्ट इसको मिलेगा, सेकंड इसको मिलेगा, थर्ड इसको मिलेगा, 1 2 3 सही है, 1 2 3 बोलो सही है कि नहीं, सही है, तो यह हो गया आर। अब मैं एक काम करूंगा, इसमें मैं इवन इंटरचेंज करूंगा, क्या करूंगा, इवन इंटरचेंज, व्हाट इज इवन इंटरचेंज, कोई दो इंटरचेंज करने हैं, मैं दो इंटरचेंज करूंगा, ध्यान से देखें, ब्रोमीन को उठा के इधर लगा दिया, आयोडीन को उठा के यहां लगा दिया, पहला इंटरचेंज, ये हुआ फर्स्ट, और अब इसमें एक और इंटरचेंज, इवन दो, ये तो ऑड हो गया ना, इवन मतलब दो इंटरचेंज करो कम से कम, या चार इंटरचेंज करो या छह करो, पहला इंटरचेंज मैं ब्रोमीन को इधर, दूसरे में मैं इनको इंटरचेंज कर दूंगा, तो ब्रोमीन यहां, आयोडीन यहां, क्लोरीन यहां, हाइड्रोजन यहां, ये सेकंड, तो यहां आते आते इवन इंटरचेंज हो गया, और यहां जाते आते मैं ऐसे लिख देता हूं ऑड इंटरचेंज, सही है ना, आपको कॉपी करो समझ में आएगा क्या बोल रहे, थोड़ा दिमाग को शांति दें और बातों को समझे, मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं। पहला वाला जो इंटरचेंज है बच्चों, उसको ऑड इंटरचेंज बोल सकते हैं क्योंकि एक ही इंटरचेंज हुआ, एक ऑड नंबर है, दूसरा वाला इंटरचेंज दो इंटरचेंज के बाद आया तो हमने उसको इवन इंटरचेंज बोला। अब जरा एक खास बात देखना, इसका मुझे कॉन्फ़िगरेशन बताओ आर है कि एस, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज एस, और लोएस्ट प्रायोरिटी सब में देखो फोर्थ नंबर जो है वो सब में वर्टिकल पे मैंने डाल रखा है जानबूझ के, टेंशन नहीं है, ऐसा आया, मतलब ऑड इंटरचेंज पे आर से एस बन जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, इवन इंटरचेंज पहले देखते हैं, 1 2 3 4 तो वर्टिकल पे है कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहा तो ये भी आर। अगर आप इवन इंटरचेंज करोगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही कॉन्फ़िगरेशन आएगी, अगर आप ऑड इंटरचेंज, पहले इसको रूल उसको छोड़ दो, पहले रूल की तरह एक नई चीज पढ़ो, नियम समझो, मान लो यही सवाल आ गया नीचे, इवन इंटरचेंज में क्या होता है, ऑड में क्या होता है ना, अगर आप इवन इंटरचेंज करोगे तो जो कॉन्फ़िगरेशन थी वही आएगी, और अगर ऑड करोगे तो जो थी उसके अपोजिट, ऑड मतलब एक इंटरचेंज, इवन मतलब दो इंटरचेंज, और ध्यान देना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी कहां है अपनी, वर्टिकल पे, ठीक है, ठीक है ना, अभी मैंने वर्टिकल पे रखा है, इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात पक्का क्लियर हुई कि जब भी हम इवन, अभी एक और इंटरचेंज कर दो फिर एस बन जाएगा क्योंकि ऑड हो जाएगा, फिर एक और कर दोगे फिर आर बन जाएगा, तो अगर दो इंटरचेंज करोगे तो जो था वही रहेगा। यहां से यहां कितने इंटरचेंज हुए हैं, टू चेंजेस, एक चेंज है, पहला चेंज हुआ, अच्छा ऐसे मान लो आयोडीन इधर गया क्लोरीन इधर गया, ऐसे नहीं देख सकते, एक इंटरचेंज आयोडीन इधर क्लोरीन इधर, फिर क्लोरीन इधर ब्रोमीन इधर, टिंग टिंग क्लोरीन इधर ब्रोमीन, क्यों, दो इंटरचेंज करने पे ये आएगा, दो इंटरचेंज के बाद जो था वही होगा, लिख लो इस बात को कि आफ्टर टू इंटरचेंजेस कॉन्फ़िगरेशन
इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, आरएस कॉन्फ़िगरेशन रिमेंस सेम, इसको हम बोलते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन रिमेंस सेम। अब जरा इस नियम को पकड़ के टू बोल दें या आफ्टर टू की जगह इवन, और ऑड में कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अब जरा इस नियम को पकड़कर मैं आपसे कहता हूं इस मॉलिक्यूल का आरएस बताओ, ठीक है। अब वो कहानी मैं समझाने जा रहा हूं, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे, थर्ड इसको देंगे। प्रॉब्लम क्या है, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है तो मत कुछ करो, रूल भूल जाओ। मैं समझा रहा हूं क्यों ऐसा किया कि हॉरिजॉन्टल होने पे क्यों उल्टा कर देते हैं, आर का क्यों है, एस का क्यों है, हमें नहीं आ रहा इसको सॉल्व करना, हमें समझ ही में नहीं आ रहा इसको हम कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमसे किसी ने बोल रखा था कि हाइड्रोजन, कि हमसे किसी ने बोल रहा था कि वर्ट क्या बोल रखा था किसी ने, रामचंद क्या कैसी ऐसे, हमसे किसी ने कह रखा था कि लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे होनी चाहिए, साहब नहीं है, हम इसमें दो इंटरचेंज करेंगे, हाइड्रोजन को यहां भेज देते हैं OH को यहां, तो वर्टिकल पे पहुंच गया। ये हुआ फर्स्ट इंटरचेंज। हम एक और कर लें तो जो ये था वही ये रहेगा, ये पहला किया H को इधर, अभी तो किया भी नहीं मैंने, क्या हो गया मुझको, हो गया है तुझिक, नहीं नहीं कभी नहीं, H को यहां, H को यहां, एक और इंटरचेंज कर लेते हैं, बताओ कौन सा करोगे, ये करना हो ये कर लो, ये करना हो ये कर लो, है ना, इन दोनों करना, इन दोनों को, मतलब किसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि लोएस्ट प्रायोरिटी को वर्टिकल पे ले आए। अब दूसरा इंटरचेंज जो तुम्हारा मर्जी हो, जो तुम्हारा मर्जी हो कर लो, चलो मैं इन दोनों को घुमा देता हूं, एच ओ एच सी एच थ्री एन एच टू, मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी वही कॉन्फ़िगरेशन होगी, क्योंकि आफ्टर टू इंटरचेंजेस कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वही होनी चाहिए। चलो इसकी देखते हैं, वन टू थ्री, लोएस्ट प्रायोरिटी कहां पे है इसमें, वर्टिकल पे है, मेरा ढक्कन कहां गया, ये रहा, हां तो लोएस्ट प्रायोरिटी कहां है, वर्टिकल पे है, तो सब सही है। वन से टू, टू से थ्री कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, एस, यानी इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होनी चाहिए, दो इंटरचेंज के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, पहले मैं एच को इधर लाया, एच को इधर, एच इधर ले गया ताकि एच वर्टिकल पे आ जाए, लोएस्ट वैलेंसी लोएस्ट प्रायोरिटी वर्टिकल पे, और फिर एक इंटरचेंज और किया, अगर ये ऐसे तो ये भी ऐसे होना चाहिए। अब जरा अपना नियम देखते हैं, तेज पढ़ते, वन टू थ्री तो कैसे चले हम, क्लॉकवाइज चले, तो क्लॉकवाइज से क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, वन टू थ्री, है ना, पर हमने पढ़ रहा था कि हॉरिजॉन्टल पे अगर लोएस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल पे हो तो आर का एस कर दो, तो हमने पढ़ा था ना एस कर दो, देखो ऐसा आ रहा है, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट बोला था, कई लोग के तो ऊपर से बाउंस कर गया, कई लोग कह रहे हैं सर जो पहले पढ़ा था वही समझ में आया, अरे मैं ये कह रहा दो इंटरचेंज के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, मुझे नहीं पता था कि हाइड्रोजन को या लोएस्ट प्रायोरिटी को हॉरिजॉन्टल पे कैसे टैकल करना है, मुझे पता ही नहीं था, लोएस्ट प्रायोरिटी मुझसे किसी ने कह रखा था कि हमेशा कहां पे देखो, वर्टिकल पे, और हॉरिजॉन्टल पे हो तो क्वेश्चन एग्जाम में, हॉरिजॉन्टल पे हो तो क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के चले आना, किसी ने ये कहा था, तो हम देख रहे कैसे डील करना है, तो हमने दो इंटरचेंज किया, हमने कहा एस, और हमने इसका देखा तो आ रहा था आर, मतलब हम समझ गए कि अगर आर आ रहा है तो एस होगा, और एस आ रहा है तो आर होगा, क्योंकि इसकी इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग हो ही नहीं सकती, दो इंटरचेंज के बाद सेम आनी चाहिए, पर इसकी आर आ रही है मतलब इसकी गलत आ रही है, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है, तो आर आए तो एस कर दो, एस आए तो आर कर दो, अभी भी नहीं आया। इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पता लगानी है तो किसी तरह से लोएस्ट प्रायोरिटी को वर्टिकल पे पहुंचाओ, मैंने एक इंटरचेंज किया, एक करना अलाउड नहीं है, दो के बाद सेम होता है तो मैंने दो कर दिए, अब जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वही इसकी होगी, ये नियम कहता है, तो ये एस है तो ये एस होगा ही होगा, पर हम जब देख रहे हैं तो ये आर आ रहा है, तो हमने नियम बना दिया अपनी तरफ से कि अगर लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो जो आ रहा है उसका उल्टा कर दो, छोड़ो तुम लोएस्ट प्रायोरिटी कहां होनी चाहिए, वर्टिकल पे, हॉरिजॉन्टल पे है तो जो आ रहा है उसका उल्टा, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब।
तो चलिए भाई साहब अब एक वेज डैश का भी सवाल कर लेते हैं। वेज डैश भी तो सीखना है। अरे भैया अरे यहां कार्बन लगाया, यहां मैंने लगा लिया एच, वेज पे मैंने लगाया ओ एच, यहां लगा दिया सी एच थ्री, यहां लगा दिया सी ओ ओ एच। हमसे पूछा ये आर है या एस है। तो वेज डैश में आपको एक नियम याद रखना है बच्चों, वेज डैश में एक नियम याद रखना है। देखो एक तरीका तो ये है कि पहले इसको फिशर में कन्वर्ट कर लो और आंसर निकाल लो, और एक है इसको यहीं का यहीं सॉल्व कर लो। तो वेज डैश में आपको याद रखना है कि जो लोएस्ट प्रियोरिटी है, जो अपनी लोएस्ट प्रियोरिटी है, सबसे गिरी हुई प्रियोरिटी यानी कि नंबर चार जो है, वो हमारा डैश पे होना ही चाहिए, वो हमारा डैश पे होना ही चाहिए। नहीं है तो क्या करें, अगर अगर फोर डैश पर नहीं है तो क्या करें। तो बच्चों आप टू इंटरचेंजेस करिए, क्योंकि टू इंटरचेंजेस के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है। जैसे यहां पे हम देखें तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड मिलेगी इसको, थर्ड मिलेगी इसको, फोर्थ मिलेगी इसको। तो यहां पे फोर्थ ऑलरेडी डैश पे है तो कोई दिक्कत नहीं, वन से चलेंगे टू, टू से चलेंगे थ्री, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज तो कॉन्फ़िगरेशन है आर। चाहो तो इसका फिशर बना के ये बात साबित कर लो, ये मैंने इसका फिशर बनाया। अब आप किधर से देखोगे, यहां से अंदर से झांक कर देखोगे, आप डैश को देखोगे, हाइड्रोजन किधर है, राइट में, तो राइट में हाइड्रोजन, और डैश के सामने कौन होता है, वेज, तो एच, है ना, एच ऐसे ओ एच ऐसे बाहर, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। अगर मैं कहूं यहां से कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करें, तो यहां से बच्चों फर्स्ट नंबर इसको, सेकेंड नंबर इसको, थर्ड नंबर इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज चले आया एस, पर फिशर में लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे नहीं होनी चाहिए, अगर है तो एस का बन जाएगा आर। तो यहां से भी कह रहा आर, यहां से भी आर, तो चाहो तो डायरेक्टली निकाल लो, चाहो तो फिशर में कन्वर्ट करके, क्लियर है, एकदम सही आएगा। मान लो कि ये भी ले लेते हैं कि जब लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पर ना हो, एक सवाल जिसमें लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे, चलिए अब एक चल, अरे नहीं चलेंगे भाई, करो इसी पक्षा। चलिए अब एक एग्जांपल ऐसा देख लेते हैं जिसमें लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे ना हो। जैसे मान लेते हैं ये फ्लोरीन लगा है, ये क्लोरीन लगा है, ये ब्रोमीन लगा है, और ये आयोडीन लगा है। हमसे कहा बताओ आर की एस, तो आप बोलोगे वन टू थ्री फोर, बोलो सही है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। पर अभी ये गलत है, आप इस तरह से आंसर मत निकालना, क्या पता आंसर सही आ रहा हो, पर ये तरीका गलत है, हमेशा सही नहीं आएगा इससे, ठीक है, वो इत्तेफाक है अगर आंसर सही आता है। खैर लोएस्ट प्रायोरिटी फ्लोरीन है, उसको डैश पे होना ही होना है, और कोई नियम नहीं है, और कोई नियम नहीं है, इसको डैश पे लाना ही पड़ेगा। लाने का तरीका है दो इंटरचेंज, या तो इसका फिशर बना लो, वो भी एक सही है। दो इंटरचेंज करने पहले देखते हैं, एक इंटरचेंज करते हैं, फ्लोरीन को पहले डैश पे लाते हैं, तो ये रहा फ्लोरीन, ये ऊपर गया क्लोरीन, मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया, इधर आयोडीन इधर ब्रोमीन। एक इंटरचेंज पे कॉन्फ़िगरेशन बदली होती है तो एक और कर लेते हैं। पहले इंटरचेंज में मैंने क्या श्योर किया, पहले इंटरचेंज में मैंने ये श्योर किया कि लोएस्ट प्रायोरिटी को मैं डैश पे ले आऊं। अब अगले में इन दोनों को स्विच कर दो, इन दोनों को स्विच कर दो, किसी को भी दो को, बस फ्लोरीन को मत छेड़ना, लोएस्ट प्रायोरिटी थी डैश पे आ गई, उसको मत छेड़ो। अब किसी भी दो इनको स्विच कर दो, चलो ब्रोमीन इधर, आयोडीन इधर, क्लोरीन। यहां से यहां कितने इंटरचेंज हो गए, दो, दो के बाद कॉन्फ़िगरेशन सेम आती है। दिस विल बी वन, दिस विल बी टू, दिस विल बी थ्री, दिस इज फोर, और फोर कहां पे है, डैश पे, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, क्लॉक वाइज आंसर इज आर, मतलब इसका आंसर आर आना चाहिए। एक इंटरचेंज किया, फ्लोरीन को लोएस्ट पे ले गए, क्लोरीन यहां, दूसरा इंटरचेंज इनको घुमा लिया, वन टू थ्री, क्लॉकवाइज आर। नहीं विश्वास है तो इसका फिशर बनाओ, है ना,
फिशर बनाएंगे, इधर से झांक के देखेंगे अंदर से, क्लोरीन जो डैश वाला है वो राइट में, तो राइट में, लेफ्ट में दिखता तो लेफ्ट में बनाते, सामने इसके ब्रोमीन, ऊपर फ्लोरीन, नीचे आयोडीन, 1 2 3 4। लोएस्ट प्रायोरिटी कहां होनी चाहिए? वर्टिकल पे है, 1 2 3 आर। क्लियर है? तो अगर वेज डैश में निकालना है तो ध्यान रखो कि लोएस्ट प्रायोरिटी को डैश पे रहना चाहिए। वेज डैश में ये नहीं कर सकते कि एस आ रहा तो आर कर दो, नहीं नहीं करना है। वेज डैश में एक ही कंडीशन है कि लोएस्ट प्रायोरिटी डैश पे हो, और उसको करने के लिए दो इंटरचेंज, और वो नहीं करना है तो फिशर में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो आपको आर एस नोमेनक्लेचर वेज डैश में भी करना आ गया, फिशर में भी आ गया। तो ये सारी बातें हो रही थी सिंगल काइरल सेंटर पे, जब एक काइरल कार्बन था। अब हम बात करेंगे एक से ज्यादा काइरल कार्बन, आर एस नोमेनक्लेचर, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स एंड आइडेंटिकल कंपाउंड। जरा देखो आज बहुत ही खूबसूरत सवाल, क्या मैं लैक्टिक एसिड फिर से इस्तेमाल कर सकता हूं? शुक्रिया आपने परमिशन दी, पर सवाल नया है, टेंशन मत लो, कुछ नई चीज इसमें आज सिखाऊंगा। OH, H, OH, H, दिस इज माई कंपाउंड ए, COOH, COOH, H, OH, H, OH, कंपाउंड बी, COOH, H, OH, OH, H, COOH, 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 OH, H, H, OH। पहले इतना कॉपी करें, दिस इज कंपाउंड सी एंड दिस इज कंपाउंड डी। हमको चार कंपाउंड इन्होंने दिए हैं, ए बी सी डी ई, ई नहीं है, आई बोल बोल चल। तो अपन को चार कंपाउंड दिए हैं, और इन चार कंपाउंड में से अपन से पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी। इस तरह के सवाल हमसे पूछे हैं कि ए और बी में क्या रिश्ता है, बी और सी में क्या रिश्ता है, सी और डी में क्या रिश्ता है, ए और सी में क्या रिश्ता है, ए और डी में, इस तरह के सवाल हमसे पूछ रहे हैं। ये करने के लिए आपको आरएस बहुत प्यार से आना चाहिए। देखो आरएस आएगा तो ये सवाल बहुत प्यार से हो जाएगा। चलो करते हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, चलो यहां से चले हम, यहां से ये कार्बन के इस तरफ ओ, इस तरफ कार्बन, इस तरफ हाइड्रोजन, इस तरफ कार्बन, फर्स्ट नंबर तो इसी को मिलेगा। इस कार्बन से जुड़ा है डबल बॉन्ड ओ और एक और ओ, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड ओ और एच, मतलब प्रायोरिटी इसको 1 2 और इस पे आएगी 3, 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, होगा एस, पर लोवेस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन है 4। इस कार्बन के अबाउट देखो 1 2 और इसको थर्ड नंबर मिलेगा, इससे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इससे डबल बॉन्ड भी और एक और ऑक्सीजन भी है, तो 1 2 3 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और हाइड्रोजन है किस पे, हॉरिजॉन्टल पे, तो पलटना भी पड़ेगा, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज आया एस, हम लास्ट में बोलेंगे आर। इस पे आओ, इस कार्बन पे आओ, इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इसको, थर्ड इस वाले कार्बन को, 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा आर होगा, पर फोर्थ प्रायोरिटी किस पे है, हॉरिजॉन्टल में, तो पलट देंगे एस, तो दिस इज आर एस। अच्छा कार्बन की काउंटिंग करो, मतलब अगर इसका मैं आयुपेक नेम लिखूं तो या तो इधर से काउंटिंग करेंगे या इधर से, दोनों तरफ से आइडेंटिकल है, 1 2 3 4, सो अपन का आ रहा है 2 पे R, 3 पे S। इधर से चले तो 1 2 3, कहीं से भी काउंटिंग हो सकती है, आइडेंटिकल है भाई इस कंपाउंड को, इधर से या तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 या इधर से, इसमें नंबरिंग श्योर नहीं हो सकती। अच्छा यहां पे आओ, इसका मैं देखूं ये कार्बन, ये कार्बन, ये 1 2 3, 1 2 3 R आ रहा पर यहां हाइड्रोजन है तो S हो जाएगा, यहां देखें 1 2 और ऊपर होगा 3 इस कार्बन के लिए, 1 2 3 अपने आप करो, 1 2 3 इस कार्बन के लिए देखो, 1 2 इसको मिलेगा, 3 इसको, S आ रहा पर हाइड्रोजन है तो R हो जाएगा, मतलब इसको अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 2 पे S है, 3 पे R, 2S 3R। पर ध्यान से देखो ये दोनों कंपाउंड सेम है,
अरे यार कौन सा नंबर टू होगा कौन सा थ्री इस कंपाउंड में श्योर ही नहीं है, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। तो इन दोनों कंपाउंड को हम बोलते हैं आइडेंटिकल। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। नंबरिंग किधर से करेंगे, गारंटी ही नहीं है। अगर यहां पे कोई और ग्रुप होता, यहां कोई ग्रुप होता, यहां कोई ग्रुप, जिससे आयुपैक नंबरिंग में चेंज होता तो हम मानते हैं। आप नंबरिंग इधर से कर रहे हो, क्या पता कोई बंदा नंबरिंग इधर से करे। मान लो कोई बंदा इसकी नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दे तो बोलता टू पे आर थ्री प्रेस, टू पे आर थ्री प्लस, दोनों कंपाउंड क्या होते, आइडेंटिकल। तो ए और बी कैसे कंपाउंड हैं? ए और बी आइडेंटिकल हैं। असल में ए और बी एक दूसरे की मिरर इमेज है और सुपर इंपोसिबल है। ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, याद हो तो। ये मीजो कंपाउंड है, याद आया? ये कैसा कंपाउंड है? मीजो। इसमें क्या एग्जिस्ट कर रही है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री। मीजो की मिरर इमेज पे सुपर इंपोज, भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है। दिस कंपाउंड ए इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, और सामने बना के रखी इसकी मिरर इमेज, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्टिकली इनएक्टिव की मिरर इमेज पे ये सुपर इंपोजिबल, दीज आर द सेम कंपाउंड। ये कोई आइसोमर है ही नहीं। ए एंड बी आर, ये चार आइसोमर नहीं है यार, ये आइसोमर ही नहीं है। ये इसका मिरर इमेज और ये सुपर इंपोजिबल है इसके ऊपर, इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। इसलिए मैं कह रहा हूं पिछले लेक्चर्स को ध्यान से देखें। यहां पर आएंगे कार्बन कार्बन। चलिए अब देखो इसमें बड़ा खास इसमें होगा, नंबरिंग नहीं पता ना किधर से करनी है, तब भी देखना ये दोनों आइसोमर निकल आएंगे। देखना इस पे आए 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज, एच यहां लगाए तो क्लॉकवाइज से आर आया, आर से एस हो गया क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे। इस पे आओ 1 2 3 इस पे जाएगा 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहा आर, पर एच लगाया हॉरिजॉन्टल में तो हो गया एस। मतलब ये 2s, 3s, चाहे जिधर से नंबरिंग करो, इधर से करो तो 2, 3s, इधर से करो तो 2, 2, समझ रहे हो ना? चार कार्बन है, नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, तो इधर से करोगे तो 2s, 3s, इधर से करोगे 2s, 3s। यहां पे आओ 1, 2, 3 एंटीक्लॉकवाइज, एंटीक्लॉकवाइज चले s, पर h है हॉरिजॉन्टल पे, लोएस्ट प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे, तो ये बन जाएगा r। यहां देखो 1, 2, 3 अपने आप सोचो इस कार्बन के अबाउट 1, 2, 3 ऐसे एंटीक्लॉकवाइज मतलब s, पर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे तो बन गया R। मतलब ये 2R, 3R, चाहे ऊपर से चलो चाहे नीचे से, ये दोनों बच्चों इनैंशियोमर है। जहां S था R आया, जहां S था R आया। S और R आपस में क्या होते हैं? इनैंशियोमर। पर कौन सा डेक्स्ट्रो है, कौन सा लीवो है, ये श्योरिटी नहीं। एस आर का मतलब, एस का मतलब कि ग्रुप्स एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं एटॉमिक नंबर में। आर का मतलब ग्रुप क्लॉकवाइज ऑर्डर में लगे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर के। तो ये दोनों हो गए इनैंशियोमर। अब क्लियर हो रहा है इनको इनैंशियोमर क्यों नहीं बोला? क्योंकि नंबरिंग की गारंटी नहीं थी। अगर नंबरिंग की गारंटी होती तो ये भी इनैंशियोमर बनते। आर से एस हो गया था, एस से आर बन सकते थे, पर नंबरिंग की गारंटी नहीं है। इसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। चल अब हमसे पूछा सी और डी क्या है, तो सी और डी हैं इनैंशियोमर्स। इसके बाद पूछा बी और सी क्या है, एस से रहा एस, आर का बना एस। जब ऐसा कुछ दिखे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, याद समझ में आ रहा है एस का आर, एस का आर, चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से ऊपर से करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों असल में मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोसिबल मिरर इमेज। ध्यान से देखो, मैं तो कह रहा हूं एग्जाम में नहीं पहचान पाए मिरर इमेज, आया ही नहीं दिमाग में, मेरा गधा एकदम एग्जाम में, मैं गधा, मेरे को समझ ही नहीं आया मिरर इमेज, एकदम ही गधा। तो अपन इस तरह से भी क्वेश्चन को सही कर ले जाएंगे। मैंने किया एस एस आर आर, मैं समझ गया एस का आर, एस का आर मतलब इनैंशियोमर। अब बी और सी को जब कंपेयर करें तो एस का एस रह गया, आर का एस बन गया। ऐसा जब हो तो डेफिनेटली ये कोई मिरर इमेज नहीं है, नॉट मिरर इमेज, यानी ये स्पेस में स्टीरियो में ऐसे आइसोमर हैं जो मिरर इमेज नहीं है। इनको बोलते हैं डाया स्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं? डाया स्टीरियोमर्स। ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं था, ये बात समझो। इस पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पड़ा है, ये कंपाउंड सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते। अब बात आई ये डाया स्टीरियोमर्स क्या होते हैं। बच्चों ऐसे स्पेस वाले आइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो उसको बोलते हैं डाया स्टीरियोमर्स। पहचानोगे कैसे?
ये देखो R से S बना, S से R बना, तो या तो ये इनेंशियोमर होगा या तो ये आइडेंटिकल होगा, डिपेंड करेगा नंबरिंग पे। देखा इधर से नंबरिंग करते तो 2 पे S, 3 पे R, और इसके ऊपर से नंबरिंग कर लो तो 2 पे S, 3 R, क्योंकि नंबरिंग कहीं से भी हो सकती है। तो ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था 2R, 3S, और इसको भी तो बोल सकते हैं 2R, 3S। मान लो नंबरिंग हमने यहां से कर ली तो 2 पे R, 3 पे S, तो आइडेंटिकल हो गया, कर सकते हैं ना इसमें। अच्छा, पर बी और सी को देखा तो आर से एस बन रहा है, इसका एस जब ऐसा फंस जाए कि ना ही मिरर इमेज ना ही आइडेंटिकल, तो समझ जाओ डाया स्टीरियोमर्स। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, बड़ा क्लियर होगा, टेंशन मत लो, है ना। जैसे इसी में ये भी पूछ लेते हैं, पहले इसको लिखे रहते हैं सी ओ ओ एच, ये क्या था मेरा 2R3S। एक और इसी में देख लेते हैं, मान लो कोई हमसे पूछ लेता है कि A एंड C क्या है, A एंड C, तो R का बना S, S का रह गया S, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब डायस्टीरियोमर्स, मिरर इमेज नहीं है। देखो ये और ये मिरर इमेज नहीं है, स्पेस के आइसोमर है पर मिरर इमेज नहीं है। कोई हमसे पूछ लेता है A एंड D क्या है, R का R, S का R, एक जगह रुका रहा है एक जगह चेंज, मतलब मिरर इमेज इमेज कुछ नहीं है, डायस्टीरियोमर्स। बड़ा आसान है, अगर दोनों चेंज हो जाएं तो स्टीरियो आइसोमर, सॉरी तो इनेंशियोमर, अगर दोनों सेम रह जाएं तो आइडेंटिकल, एक चेंज हो एक सेम हो तो डायस्टीरियोमर्स, दोनों चेंज हो तो इनेंशियोमर, मिरर इमेज वगैरह है नॉन सुपर इंपोजिबल, दोनों सेम हो तो आइडेंटिकल, एक चेंज हो एक सेम हो तो डायस्टीरियोमर्स। कोई हमसे पूछता है कि साहब बी एंड डी क्या है, बी एंड डी, आर का आर रहा एस का आर, एक चेंज हुआ एक सेम, डायस्टीरियोमर्स, दोनों चेंज हो तो इनेंशियोमर, दोनों सेम तो आइडेंटिकल, एक चेंज एक सेम तो डायस्टीरियोमर्स। तो मैं डायस्टीरियोमर्स आपको कई तरह से समझा चुका हूं, ये आखिरी तरीका था जिसमें मिरर इमेज का भी इस्तेमाल नहीं करना। तो ये सवाल अपने आप में थोड़ा आसान था, हम एक प्यारा सा सवाल लेते हैं सी एच ओ, देखो कहानी बदल गई, सी ओ ओ एच ओ एच एच ओ एच एच, पूरी कहानी बदल दी मैंने, सी एच ओ, थोड़ा मैं सीक्वेंस ही बदलता हूं, क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग करते हैं, एच ओ एच ओ एच एच सी एच ओ सी ओ ओ एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच सी एच ओ सी ओ ओ एच ओ एच एच ओ एच एच कंपाउंड ए कंपाउंड बी कंपाउंड सी कंपाउंड डी। अब आप मेरे को बताओ कि ए एंड बी क्या है, ए एंड सी क्या है, बी एंड सी क्या है, बी एंड डी क्या है, ए एंड डी क्या है, सी एंड डी क्या है, इतने सवाल आप मेरे को बताओ सबके बारे में। शुरू किया जाए, इस पे आते हैं, इस बार नंबरिंग दोनों तरफ से नहीं हो सकती, ध्यान दो, इस तरफ से एल्डिहाइड ग्रुप है, इस तरफ से एसिड, तो नंबरिंग इधर से होगी, तो पहले नंबरिंग कर लो 1, 2, 3, 4, तो नंबरिंग तो इधर से ही होगी, क्लियर। चलिए अब आर एस देखते हैं, सेकेंड नंबर पे देखो ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3, 1, 2, 3 ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, तो होना चाहिए आर, पर फोर्थ वैलेंसी किस पे लगी है, हॉरिजॉन्टल पे, तो आर का बन जाएगा एस। यहां पे आओ 1, 2 नंबर इसको देना पड़ेगा, सी डबल बॉन्ड हो है, ये सी सिंगल बॉन्ड हो, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज आएगा एस, पर हाइड्रोजन लगा है हॉरिजॉन्टल पे तो बन जाएगा आर, मतलब ये कंपाउंड है 2S3R। इस बार नंबरिंग की गारंटी है। बी पे आओ, नंबरिंग इधर से होगी 1, 2, 3, 4। अच्छा यहां पे देखो 1, 2, 3 क्लॉकवाइज चलेंगे, आर आना चाहिए,
ये ग्रुप देखो, ये ग्रुप देखो, पूरा सेम है, मतलब ये ऐसे ही आएगा ना। यहां से यहां देखो कॉपी है नीचे वाला, ऊपर वाले में बदल गई है कॉन्फ़िगरेशन, तो आर की जगह एस हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, अरे यार ऊपर वाला देखो पलट दिया है तो आर का एस कर दिया, नीचे वाला पूरा सेम है स्केलेटल तो एस हो गया। तो ये बन जाएगा अपना क्या, 2s, 3s, यहां से नंबरिंग है 2s, 3s। नहीं थोड़ा समझ रहे, ये स्केलेटन देखो पूरा सेम है तो ये ऐसे तो ऐसा आएगा, ऊपर वाला स्केलेटन इसका उल्टा है तो आर का एस कर दो। काहे बार बार मेहनत कर रहे हो, यहां आओ, ये ऊपर वाला स्केलेटन इसका उल्टा किया है शायद, हाँ तो ये हो जाएगा आर। देखो ये और ये सेम है ना एकदम, ये स्केलेटन सेम है तो ये आर, तो ये आर। नीचे वाला मिलाओ किससे मैच कर रहा है, इसका उल्टा किया है, ये एस था तो ये आर, तो ये हो जाएगा 2r, 3r। यहां पे आओ, ऊपर वाला स्केलेटन देखो पहले वाले से मैच कर रहा है क्या, पहले वाले का उल्टा है तो ये हो गया एस, नीचे वाला पहले वाले का उल्टा है तो पहला वाला एस तो ये आर। देखो ये वाला पूरा सेम आ रहा है ना, तो ये आर तो ये आर, यानी ये हो गया 2r, 3s। मेहनत बचा रहा हूं, तुम चाहो तो पूरा तमीज से करो, मनाही नहीं कर रहा, मनाही नहीं है, चाहो तो इस पे 1, 2, 3 आर और एच यहां लगा है तो एस बन जाएगा, ये 1, 2, 3 आर और फोर्थ वैलेंसी हॉरिजॉन्टल पे है तो एस, ये 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज तो एस पर एच लगा है हॉरिजॉन्टल पे तो आर। यहां पे कोई भी चेक कर लो, ये वाला 1, 2, 3 आर बनना चाहिए पर फोर्थ वैलेंसी हॉरिजॉन्टल पे तो एस। तो ऐसे देख के भी थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते थे। खैर बात करते हैं किसकी, ए एंड बी, ए एंड बी, एस का एस, आर का एस, एक चेंज हुआ एक सेम है, सीधा आंसर डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, ऐसे स्टीरियोमर्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ना हो, नॉन मिरर इमेज, साफ साफ नॉन मिरर। एस का हुआ एस, आर का रह गया, सॉरी आर का हो गया एस, एक सेम है एक चेंज। ए एंड सी, ए एंड सी, एस का हुआ आर, आर का रहा आर, डेफिनेटली डायस्टीरियोमर्स, समझ रहे हो, डायस्टीरियोमर्स में एक चेंज होगा एक सेम। ध्यान से देखो, ये और ये क्या कोई मिरर इमेज है, ये और ये क्या कोई मिरर इमेज है, इसकी मिरर इमेज जब बनेगी तो दोनों हाइड्रोजन एक तरफ हो जाएंगे, दोनों OH एक तरफ, वो रही मिरर इमेज डी वाली। ए एंड डी आ जाओ, ए एंड डी, ए एंड डी, एस का बनना आर, आर का बनना एस, इनेंशियोमर, क्यों इनेंशियोमर, क्योंकि इस बार इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऊपर एल्डिहाइड है नीचे एसिड तो बराबर से नहीं कट रहा, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसकी एक मिरर इमेज होगी और मिरर इमेज पे ये नॉन सुपर इम्पोसिबल होगा, एक डी फॉर्म होगा एक एल, जहां एस था आर आया, जहां आर था एस आया। बी एंड सी, बी एंड सी, एस का आर, एस का आर, इनेंशियोमर, क्लियर, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। देखो ये मिरर इमेज है पूरी, ओ एच एच उधर गए, एच ओ एच इधर आए, पूरी मिरर इमेज। बी एंड डी, बी एंड डी, एस का बना आर, एस का रहा एस, एक बना एक चेंज हुआ, एक बना रहा एक चेंज हुआ, डायस्टीरियोमर्स, मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की। सी एंड डी, एक बना रहा एक चेंज हुआ, डायस्टीरियोमर्स, क्लियर है, हम अब कंक्लूजन निकाल सकते हो, एक बना रहे एक चेंज हो जाए डायस्टीरियोमर्स, दोनों चेंज हो जाए इनेंशियोमर्स, और दोनों सेम रहे तो आइडेंटिकल, मिटा दें, बहुत बढ़िया। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन मैं दे रहा हूं इसका, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से मैं COH लगा दूंगा और कहीं ना कहीं तो बदलाव होंगे, COOH BRCl HH COOH COOH H BRCl H COOH COOH BR H CL H C
COOH, CH, BRCl. चलो अब आपको फिर से बताना है, ये A, ये B, ये C, ये D. सवाल वही सारे हैं कि A और B क्या है, A और C क्या है, A और D क्या है, B और C क्या है, C और D क्या है. कुछ बचा क्या? C और A बचा, हो गया. C और D क्या है, सब हो गया. चलो देखते हैं, कुछ बचा? A एंड D हो गया. अरे ठीक है, देख लेना, मतलब समझ गया. चलो सो पहले आओ. अब इस बार नंबरिंग किधर से होगी? इधर से भी एसिड, इधर से भी एसिड. इस कार्बन चेन की नंबरिंग इधर से करें तो एसिड, इधर से भी एसिड. सेकंड नंबर पे ब्रोमो, सेकंड नंबर पे क्लोरो. तो पहले क्या लेना चाहिए? अल्फाबेटिकली चलना पड़ेगा, पहले ब्रोमो लेना चाहिए. तो पहली बात तो नंबरिंग ऊपर से होगी, नीचे से करोगे तो थर्ड नंबर पे क्लोरो. तो नंबरिंग ऊपर से हो रही है इसमें, 1 2 3 4, ये सीक्वेंस फॉलो होगा. अब एस और आर देख लेते हैं. यहां पे आ जाओ, फर्स्ट प्रायोरिटी इस पे आते, पहले टू वाले देखते हैं. फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को, सेकंड इस कार्बन को, थर्ड इसको. फर्स्ट प्रायोरिटी इसको. अब इस कार्बन से क्या जुड़ा है? ओ. इस कार्बन से क्या जुड़ा है? सीएल. इस कार्बन से कौन कौन से ग्रुप लगे हैं? एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ ब्रोमीन, एक तरफ कार्बन, एक तरफ कार्बन. तो पहले तो ब्रोमीन प्रायोरिटी लिया. अब दो कार्बन में से किसको प्रायोरिटी दें जिससे अगला एटम हाई एटॉमिक नंबर का हो, यानी ये. तो ये 1, ये 2, ये 3. 1 2 3 कैसे चले? 1 2 3 कैसे चले? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज तो R, पर लोएस्ट प्रायोरिटी कहां पे है? हॉरिजॉन्टल. तो R का बन गया S. यहां पे आओ, फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को, सेकंड प्रायोरिटी इस कार्बन को कि इस कार्बन को. इस कार्बन के लिए बात कर रहे हैं, इसको हटाओ. इस कार्बन के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड इससे जुड़ा है बीआर, इससे जुड़ा है वो, तो इसको मिलेगी 2, थर्ड इसको. 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज तो आना चाहिए एस, पर लोएस्ट प्रायोरिटी है हॉरिजॉन्टल पे, तो आ गया आर. तो इसका 2s, 3r नंबरिंग इधर से होगी ना कार्बन की, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन. सेकंड वाला एस है, थ्री वाला आर. अब यहां आ जाओ, अब तो बस ध्यान देना है, क्या ये इसका कॉपी है? बिल्कुल. तो ये R, तो ये R. क्या ये इसका कॉपी है? नहीं, उल्टा है. तो ये S, तो ये R. तो ये हो गया हमारा 2R, 3R. ऊपर से नंबरिंग हो रही है. यहां पे आओ, क्या ये इसका कॉपी है? नहीं, उल्टा है. तो ये R, तो ये S. देखो पहला वाला आ रहा है स्ट्रक्चर एकदम सही. क्या ये इसका कॉपी है? नहीं, उल्टा किया है, जस्ट उल्टा किया है. तो ये हो जाएगा S. नंबरिंग ऊपर से हो रही है 2s, 3s. क्या ये इसका कॉपी है? नहीं, उल्टा किया है. तो S का हो गया R. ये देखो, ये R. क्या ये वाला इसका कॉपी है? यस. तो S, तो 2r 3s. अब आप कोई भी कंपेयर कर सकते हो. A एंड B, एक बदल गया, एक सेम है, डाया स्टीरियोमर्स. क्लियर? A एंड C, एक सेम है, एक बदल गया, डाया स्टीरियोमर्स. मिरर इमेज नहीं है पर स्टीरियो आइसोमर है. ए एंड डी, ए एंड डी, एक बदला दूसरा भी बदला, यानी इनेंशियोमर्स. मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोसिबल है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है इस कंपाउंड में. एक ब्रोमीन है, एक क्लोरीन, मीजो विजो नहीं है. ए और डी ऑप्टिकली एक्टिव है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, नॉन सुपर इंपोसिबल. बी एंड सी, आर का बना एस, R का बना S, दोनों चेंज हुआ इनेंशियोमर. C एंड D, C एंड D, S का बना R, एक रहा सेम, एक चेंज एक सेम, डायस्टीरियोमर्स. ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है. ध्यान से देखो, इसको भी घूम, ये घूमा पर ये नहीं घूमा. मिरर इमेज होते तो ये भी घूमता, ये भी घूमता, डायस्टीरियोमर्स. B एंड D बचा हुआ था. R का बनना R रहा और एक RS हुआ, डायस्टीरियोमर्स. तो बाकी सब डायस्टीरियोमर्स, सिर्फ ये दोनों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर्स. क्यों? क्यों? ऑप्टिकल आइसोमर तो सब है. बड़ी खास बात है, आपसे अगर इस सवाल में पूछ लेता है कि
क्या ए और बी को ऑप्टिकल आइसोमर्स कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं साहब, ए भी ऑप्टिकली एक्टिव है, बी भी, पर ये इनेंशियोमेरिक पेयर नहीं है। क्या सारे डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं? नहीं, ये चारों आपस में ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। क्या ए और बी ऑप्टिकल आइसोमर? बिल्कुल। क्या ये इनेंशियोमर है? नहीं। अब समझ में आ रहा है, ऑल ऑप्टिकल आइसोमर्स आर नॉट इनेंशियोमर्स। ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं पर इनेंशियोमर हो इसकी गारंटी नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन है विच डिफर्स इन बिहेवियर टुवर्ड्स पीपीएल। इन दोनों का पीपीएल से जो बिहेवियर है वो अलग अलग होगा, जो पीपीएल से बिहेवियर है वो अलग अलग होगा, बस इतनी है। ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, सारे डायस्टीरियोमर्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जरूरी नहीं है। ए बी सी डी ऑल आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स दो तरह के मिल सकते हैं, इनेंशियोमर्स या डायस्टीरियोमर्स। इनेंशियोमर्स जो मिरर इमेज हो, जैसे ये दोनों देखो एक दूसरे की मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजिबल इमेज, जैसे ये और ये मिरर इमेज है, देखो दोनों पलट गए, तो जो मिरर इमेज वाले होते हैं उनको इनेंशियोमर्स और जो मिरर इमेज नहीं बनते वो डायस्टीरियोमर्स। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे रोकूंगा, अगले लेक्चर में आप सॉ हॉर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन देखना, जैसे यहां पे वेज डैश और फिशर देखा। तो अब हो गई है रात, मुझे आ रही है नींद, वीडियो को मैंने दो पार्ट में शूट किया, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।